तो दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में देखिए सांभर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने छोटा गिलास से रहर के दाल ले लिए हैं, एक गिलास मसूर का दाल लिए हैं। दोनों एक बरोबर लेकर के इसे धो लेंगे। उसके बाद हम इसे कुकर में डालेंगे। कुकर में डालने के बाद हम इसमें जो हरा सब्जी होता है उसे हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ अब हमने इसमें टमाटर को कट करके रखे थे, एक ही टमाटर है इसे हम डालेंगे। इसमें एक प्याज हम डालेंगे और इसमें हम छोटा छोटा दो ठो आलू लिए थे, उसे कट करके रखे थे, उसे हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम बोरो डालेंगे, कितना लोग बरबट्टी बोलते हैं इसे हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें नेनुआ डालेंगे और उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। सबको डाल कर इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी डालना है कि अच्छे से दाल एकदम पक जाए और जले भी ना। इतना पानी डालना है, तो देखिए दाल में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ हमारा सांभर एकदम 3 सीटी से 4 सीटी हम इसमें लगाए हैं और यहाँ सांभर एकदम बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम जो सांभर मसाला होता है उसे हम इसमें डालेंगे। पहले नहीं डालते हैं कि इसका सेंट निकल जाता है, इसे हम बनाने के बाद इसमें डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तब इसे हम अच्छे से पहले मिला लेंगे, उसके बाद हम उधर इसका तड़का बना करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा भाप आ रहा है, तो उधर तड़का बनाए हैं। सरसों है, कढ़ी पत्ता है और 2 लाल मिर्चा है, सबको हम तैयार करके इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ हमारा सांभर एकदम बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लोग भी इसी तरह से सांभर बनाइए और खाइए। और इडली सांभर और बादाम चना दाल के चटनी बनाए थे। तो अगर हमारा सांभर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।